जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपको होने वाला है ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर है क्या, इसके प्रकार, कार्य विधि, सिद्धांत, यानी कि जो भी है सारा का सारा इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर है क्या, है ना, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है ना। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपको जितना मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको इसी टाइप से जो है एकदम लिखना है ना। जो भी तरीके बताऊंगा कार्यविधि में कितना आपको लिखना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार में, इसका डायग्राम, जो भी चीजें हैं बिल्कुल आपको कंप्लीट तरीके से एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है ना। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देते हैं। यानी दोस्तों या तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देगा या तो इसे घटा देगा, मतलब एक प्रकार की क्या होती है, युक्ति होती है। और आप सभी देखते हैं कि जो मतलब जैसे वोल्टेज आता है तो वहां पर क्या होता है, जो 11000 वोल्टेज है, यानी कि आपने देखा होगा जो यहाँ पर जैसे बिजली की बात करें तो क्या होता है, करंट उसको घटाता या बढ़ाता, मतलब डायरेक्टली तो आपको वहां पर भेज नहीं देगा, उसको कन्वर्ट करके ही ये सारी चीजें होती है ना। तो चलिए यहाँ पर ये तो आपका इसका हुआ कि ट्रांसफार्मर है क्या। अब बात करते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो आपको पढ़ना है कुल मिलाकर दो प्रकार पढ़ने, ठीक है। पहला आपका क्या है, अपचाय ट्रांसफार्मर है, और एक आपको पढ़ना है उच्चाय ट्रांसफार्मर। तो यहां पर अपचाय ट्रांसफार्मर क्या होता है और उच्चाय ट्रांसफार्मर क्या है, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसका पहले आता है नंबर 1 अपचाय ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें क्या होता है, अपचाय ट्रांसफार्मर को समझिए, इसमें हम लोग जो है पूरा पूरा डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। तो देखिए यह क्या होता है, जो अपचाय ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल देखिए अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक समझिएगा, एकदम माइंड में छप जाएगा। तो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। देखिए इसमें यही डिफरेंस है ना, जो आपका अपचाय ट्रांसफार्मर होगा और उच्चाय ट्रांसफार्मर होगा, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होगा, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, देखिए अपचाय ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह जो है ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है, किसको, वोल्टता को घटाता है, लेकिन धारा के मान को क्या करता है, घटा बढ़ा देता है। यानी कि अगर वोल्टता बढ़ रही है तो धारा क्या है, घटेगी, अगर जो है धारा बढ़ रही है तो वोल्टता घटेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, मतलब दोनों में एक फर्क होता है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो धारा और वोल्टता क्या है, अपोजिट है। तो मतलब जो अपचाय ट्रांसफार्मर है इसमें क्या होता है, ये जो है वोल्टता को घटाता है, तो इसलिए क्या होगा, धारा को बढ़ा देता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा डायग्राम आप समझिए, इसमें होता क्या है, देखिए इस प्रकार से आपका क्या है, एक डायग्राम है, इसमें देखिए पटलित क्रोड लगाई जाती है, जो आपकी पट्टियां दिख रही हैं एक प्रकार से पटलित क्रोड हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई एक यह क्या है, कागज का टुकड़ा है, इसी प्रकार से आपके पास और कई सारे जो है कागज के टुकड़े आ जाए, मतलब डबल हो गए, और मान लीजिए यहां पर आप जो है तीन कर ले, मतलब यहां पर ये जो पट्टियां दिख रही है ना, इनका मतलब यही है कि एक दूसरे के ऊपर जो है पट्टियों को इस प्रकार करके जो है इनके ऊपर वार्निश करके जो है रख दिया जाता है, ताकि भावर धारा जो है, यानी भावर धारा के मान को जो है कंट्रोल किया जा सके। तो मतलब यहां पर एक दूसरे के ऊपर जो है पट्टियों को जो है इनको क्रोड को जो है इनको लपेट कर रखा जाता है, और यहां पर जो आपको बीच में स्थान दिख रहा है इसको क्या करते हैं, अगर हम बीच में इस कागज को जो है काट दें तो मतलब एक प्रकार से पट्टियां बन जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर चिपका कर, यानी कि आपकी भाषा में कहें तो जो है रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है, इनकी जो है कुंडलियां बनती है, जैसे कि आपका यहां हो गया प्राथमिक कुंडली और यह आपका हो गया द्वितीय कुंडली। अब कि इनमें कुंडलियों में क्या फर्क है तो समझिएगा, ये तो आपका पटलित क्रोड है ना। अब देखिए पटलित क्रोड के बाद क्या होता है, यहां पर आपको देखना, ये जैसे प्राथमिक कुंडली जो होती है इसमें आपका जो है फेरों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। एंड यहां पर अब बात करें जैसे द्वितीय कुंडली की, तो जो आपका द्वितीय कुंडली होता है इसमें जो फेरों की संख्या होती है वह कम होती है। यानी जो अपचाय ट्रांसफार्मर में यही मेन डिफरेंस है दोस्तों, अभी उच्चाई में भी आप पढ़ेंगे तब भी आपको यही पता चलेगा, जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, किसमें, अपचाय ट्रांसफार्मर में, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, समझ लीजिए। तो ये तो हुआ डायग्राम की बात, अब यहां पर आप समझ गए। अब बात करते हैं यहां पर उच्चाय ट्रांसफार्मर की, तो यह भी चलिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए उच्चाय ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है। अभी तक क्या था, जो आपका अपचाय ट्रांसफार्मर था यह क्या करता था, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता था, लेकिन जो आपका उच्चाय ट्रांसफार्मर है यह क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है ना, और धारा के मान को घटा देता है, लेकिन जो आपका अपचाय था यह क्या करता, धारा के मान को बढ़ाता था, तो यह आपका धारा के मान को घटा देता,
दोनों एक दूसरे का पोजिशन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम आपको दिख रही है ना, फेरों की संख्या कम होती है, लेकिन इसमें क्या था फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में अधिक थी, द्वितीयक में जो है कम थी, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक में ज्यादा है और प्राथमिक में कम है। यानी कि अगर आप एक को अच्छी तरीके से दिमाग में जो है शिफ्ट कर लेंगे तो दूसरा यार अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, बिल्कुल आपको इनको जो है क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ऐसा मैंने देखा है कि जो है बच्चों को यही क्लियर नहीं रहता और इसी में जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब बात करते हैं इसके जो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कार्यविधि की, कार्यविधि क्या होती है, क्योंकि कार्यविधि आपको क्लियर नहीं होगी तब आप लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग इसमें समझ लीजिए कि जो कार्यविधि है वह क्या होती है, इसको आपको लिखना कैसे, क्या करना है, तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझिए कार्यविधि है क्या, है ना। तो यहाँ पर कार्यविधि मतलब यही है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है यह कार्य कैसे करता है, यही होती है कार्यविधि। तो इसमें ज्यादा तो आपको सोचना नहीं। अब देखिए इसको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो काफी ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए यहां पर लिखना कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, है ना, यहां पर जैसे आप ले लीजिए कोई एक, आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर लीजिए, चाहे आप लोग अपचाई को लेकर चलिए, चाहे आप लोग जो है ऊंचाई को लेकर चलिए, मतलब ये नहीं मैं कहूंगा कि आप किसी जो है दोनों को लीजिए, आप किसी एक को ले लीजिए और दोनों में आपका कार्यविधि कार्य करेगा। जैसे यहां पर हमने लिखा कार्यविधि, तो हमने लिखा कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाई जाती है, यानी कि यह आपका जैसे हम लोग लेकर चलते हैं चलिए अपचाई को, अपचाई को हम लेंगे तो जब प्राथमिक कुंडली के जो सिरे है ना, ये आपका ये आपके जो सिरे हो गए, जब यहां से आप लोग देंगे इसमें यहां पर प्रत्यावर्ती बोल्टता लगाएंगे, ठीक है। जब आप लोग इसमें जो है प्रत्यावर्ती बोल्टता यहां से लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, यानी कि आपका जब यहां से प्राथमिक कुंडली में क्या देंगे प्रत्यावर्ती बोल्टता देंगे तो इसी कुंडली में क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। अब देखिए जब प्रत्यावर्ती धारा बहने लगी प्राथमिक कुंडली में तो क्या होता है, इसमें एक जो है प्रत्यावर्ती धारा क्रोण में, ठीक है, जो आपका क्रोण है यहां पर जो क्रोण लगाए गए हैं इनमें क्या होता है, इसमें जो है आपका एक जो है वाहक बल यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आपका द्वितीयक कुंडली में जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप ये सब पढ़े हैं, ये पुरानी चीजें हैं, तो इनमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर यही है कि जब इसमें जो प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है तो यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, जो धारा होती है। अब देखिए जब आपका ऐसा ये जो ये कार्यविधि हो जाती है तो क्या होता है, जो द्वितीयक कुंडली होती है द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, ठीक है, द्वितीय कुंडली है ये आपका, ठीक है, आप चाहे इसको लेकर चलिए चाहे आप जो है दूसरे वाले को लेकर चलिए, दोनों में यही चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या होता है, बार-बार जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसी आवृत्ति का जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है द्वितीय कुंडली में, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो जब देखिए हम क्या करते हैं प्राथमिक कुंडली को देते हैं प्रत्यावर्ती बोल्टता, अब इसमें जो है एक धारा बहने लगती है और जिससे क्या होता है यहाँ पर जो है द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर द्वितीय कुंडली में क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इससे जो है यह कार्यविधि चलती रहती है। तो मतलब यही सिंपल सा इसका जो है मतलब एक प्रकार से वर्किंग प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। तो आपको इतना लिखना है, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सारी चीजें जो है टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप परेशान मत होइए। अब देखिए यहां पर आपका ये तो हो गया कार्यविधि, अब इसके बाद हम समझते हैं सिद्धांत को, क्योंकि यहां पर आपको पूरा ट्रांसफार्मर मैं समाप्त करने वाला हूं, यहां पर आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए अब देखते हैं यहां पर इसका सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि सिद्धांत कार्यविधि सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम लॉन्ग में आता है, तो इसलिए आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं सिद्धांत की, देखिए इसमें क्या होता है, माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी व एनएस है। दोस्तों यहां पर देखिए समझ लीजिए क्या मैं बता रहा हूं, कि जैसे हम मान लेंगे कि जो प्राथमिक कुंडली है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, पी आपका मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली, ठीक है, और एस मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली। तो हमने लिखा कि माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी व एनएस है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में आपकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसलिए हम यहां पर एनपी की और आपको ज्यादा फेरे दिख भी रहे होंगे। इसी प्रकार से द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तो हमने एनएस का दिया, आपका ट्रांसफार्मर है। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में उच्चाई ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो इसमें देखिए जो आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, तो यहां पर कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, तो इसलिए हमने यहां पर एनपी और एनएस लिख दिया। तो एनपी और एनएस आप समझ गए ना, एनपी का मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और एनएस का मतलब आपका द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, समझिएगा,
तो यहां पर आपको लिखना है कि यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली आप किसी एक को लेकर चलिए, सिद्धांत में आपको कोई एक लेकर चलना, चाहे आप ऊंचाई को लेकर चलिए चाहे आप ऊंचाई के लिए चलिए, बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ एक को लेकर चलना, दोनों को कोई जरूरत नहीं है कि आपको वहां पर जो है दोनों को छापते रहे, है ना। तो आपको यहां पर इसी प्रकार से लिख देना, आपको मतलब यही तरीका अपनाना है। तो लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, ठीक है, क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली जो है इससे प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या कहता है, यदि आपका जो है विद्युत वाहक बल जो है, यहां पर लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में जब आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो आपका जो फैराडे का नियम होता है वह क्या होता है, तो यहां पर हम लेंगे जो है प्राथमिक कुंडली के लिए, तो यहां पर आप लिखेंगे EP, ठीक है, यानी कि जो विद्युत वाहक बल है इसको हम लोग इस डिनोट करते हैं, और P का मतलब प्राथमिक कुंडली है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको क्या, EP इक्वल टू माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या विरोध करता है इस प्रकार से, तो इसलिए यहां पर माइनस लिया जाता है, लेकिन आपका क्या है, तो यहां पर आपको जो है प्राथमिक कुंडली लेकर चल रहे हैं तो इसलिए यहां पर लेंगे NP, है ना, NP। अब यहां पर NP लिए हम लोग, अब इसमें क्या होता है, तो आपका जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है वह क्या है, dφ होता है, तो dφ आपका जो है फाई क्या, चुंबकीय फ्लक्स है, dφ/dt, इस प्रकार से आपने कर दिया। तो यह क्या हुआ, यहां पर आपका हो गया एक प्रकार से क्या है, प्राथमिक कुंडली में जो है प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का फाई है तो जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या कहता है, तो यहां पर आपको यह देखना, तो यह आपका हो गया EP इक्वल टू माइनस NP dφ/dt, पहला नियम तो यह हुआ। तो इसको करना क्या है आपको, यहां पर आपको जो है समीकरण एक दे दीजिए आप लोग इसको, ठीक है, समीकरण नंबर एक आप दे दीजिए। अब ठीक, हमने जो है प्राथमिक कुंडली के लिए तो ले लिया, क्योंकि हमारा जो है प्राथमिक कुंडली के लिए NP है, फेरों की संख्या भी हमें पता थी, तो हमने प्राथमिक कुंडली ले लिया। अब एक ट्रांसफार्मर हम लेकर चले तो हम इसी प्रकार द्वितीय कुंडली भी लेंगे, तो यहां पर आपको क्या लिखना है इसके आगे, तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे ठीक इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि हमने जो है प्राथमिक कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है EP, ये तो हमने फाइंड कर लिया, समीकरण एक भी मान लिया, लेकिन इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली को भी लेना है। तो इसलिए आप करेंगे क्या, यहां पर आप जो है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है फैराडे के नियम से ही निकालेंगे, तो यहां पर आपको जो है ये क्या होगा, तो अब आपका ES हो जाएगा, क्योंकि आपका सेकेंडरी है, यानी कि द्वितीय कुंडली को लेकर चले तो इसलिए आपका ES हो जाएगा। अब जब ES हुआ तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका NP था वो क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है NP था, अब ये क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर माइनस लगेगा, है ना, तो ये आपका माइनस NS हो जाएगा। अब ये हुआ तो आपका यहां पर dφ/dt तो वही रहेगा, ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से हुआ। अब आपको करना क्या है, इसको समीकरण दो दे दीजिए, ठीक है, समीकरण नंबर दो मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, समीकरण एक में दो का भाग करा दीजिए, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से इतना कर देना, आपको यहां पर लिखना है कि समीकरण एक में, ठीक है, एक में दो का भाग देने पर, दो का भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, तो इतना आपको करा देना। आप देखिए समीकरण एक क्या आपका कह रहा है, तो EP है, तो आप लिखेंगे क्या, EP/ES, है ना, EP/ES, यानी कि आपका ES है ना, ये आपका जो है सेकंड समीकरण जो है आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका ES में है, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, तो NP है और ये आपका NS है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, dφ/dt ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो सिंपल सा आपका यहाँ पर समझ लीजिए NP/NS बच जाएगा, ठीक है, NP/NS। तो यह आपका एक क्या हो गया, तीसरा समीकरण निकल के आगे, क्योंकि सिद्धांत आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो EP/ES इक्वल टू NP/NS, ये हमारा एक जो है निकल के आया, ये आप मान सकते हैं परिणामन अनुपात है। अब परिणामन अनुपात को R से डिनोट कर दीजिए, तो ये एक प्रकार से परिणामन अनुपात निकल के आपका आ गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है इसकी शक्तियां निकालनी पड़ेगी, यानी देखिए आपको आगे लिखना है कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो, क्या हो, यदि प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध है दोस्तों वह नगण्य हो, तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो EP है उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता VP के बराबर होगा, यानी जो आपका E है ये किसके बराबर हो जाएगा, भी के, यानी जो आपका प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये आपका प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी कि EP जो है VP के बराबर होगा। तो इसी प्रकार आपका द्वितीय कुंडली में भी जो ES है वह VS के बराबर हो जाएगा। तो अर्थात दोस्तों यहां पर ES की जगह पर आप जो है ES की जगह पर VS लिख सकते हैं और EP की जगह पर VP लिख सकते हैं। तो मतलब हमारा यहां पर क्या निकल के एक समीकरण आ सकता है, तो हमारा जो निकल के आ सकता है वह आपका आ सकता है VP/VS इक्वल टू NP/
NS है ना, NS, और इसी को आप इक्वल कर सकते हैं EP अपान ESK, क्योंकि हमने अभी जो है यहां पर देखा कि अगर प्रतिरोध अगर नगण्य हो जाएगा तो EP का मान जो VP के बराबर हो जाता है और ES का मान आपका AVS के बराबर हो जाता है और ये आपका NP अपान NS पहले से यहां पर था। तो ये तीन चीजें हमने बराबर करके दिखा दी। अब अगर आप चाहें तो इसमें जो है इसकी शक्ति भी निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका इसका शक्ति है उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो इतना ही बोर्ड एग्जाम में आप कर देंगे तो भी दोस्तों आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो आपका द्वितीय कुंडली में शक्ति होती है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति होती है, उसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे क्या करना है आपको, जो द्वितीय कुंडली है ना, जो द्वितीय कुंडली आप थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको यहां पर देख देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूछ लिया जाता है। तो द्वितीय में आपको जो शक्ति होगी, देखिए क्या होता है, द्वितीय कुंडली में जो शक्ति होती है बराबर हो जाएगी आपके यहां पर प्राथमिक कुंडली में शक्ति के, इतना आपको कर देना है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति है ना, ये आपको इतना दर्शा देना, द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली की शक्ति। तो ई एस आपका जो होगा ये आपका हो जाएगा आई, यानी कि आई आपकी धारा है तो आई एस के कर दीजिए ना, ई एस गुड़े आई एस, और इसके बाद इक्वल में आपको कर देना जो प्राथमिक कुंडली ईपी होती है, यानी कि आपका प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल ईपी होता है, और इसको आप कर दीजिए आईपी के बराबर। तो इतना आप जब कर देंगे तो आपका जो ईपी है जो ई एस के बटे में ले आइए, तो यहां पर आई एस जो है आईपी के बटे में आ जाएगा, तो आपको यहां पर ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका जैसे ई एस है, ये यहां पर ये आपका अपॉन में ये ईपी इसके बटे में आएगा, ईपी इस प्रकार से ना ईपी, और इसी प्रकार से जो आईपी है, ठीक है, आईपी है ये आपका आईएस बटे में आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से इसका जो है मतलब सिद्धांत निकल आया। तो मतलब यहां पर ये भी जो होता है आप इतना भी कर सकते हैं, बाकी इतना ही आप कर देंगे तो भी आपका पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। तो यार यही आपको करना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।